हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल मैं मेरी स्कूटी दिया था बनने के लिए, जिसका आधा ही काम हुआ है। तो राजू भी बोला बाइक ले लेते भाई, क्योंकि बाहर आने जाने के लिए एक बाइक रहेगी तो ठीक है, बट मुझे बाहर आने जाने के लिए बाइक सही में बोलूं तो कंफर्ट नहीं लगती है। तो अभी मैं अपनी एसी बंद कर देता हूं, क्योंकि आज मैं माइक नहीं लेके आया हूं। तो एक्चुअली सीन क्या है, जो मेरी स्कूटी है बहुत ज्यादा खर्चे दे रही है। कल भी मैंने 1000 रुपीज लगा दिया, उसका सेल्फ नहीं ले रहा था। दिन पे दिन खर्चे पे खर्चे दिए जा रही है, और मैं रेयरली यूज करता हूँ लोकल में, मतलब मुझे कुछ लाना हुआ या ऐसे कुछ चीजों के लिए यूज करता हूँ, और मुझे कहीं बाहर जाना या लंबे जाना तो मैं कार से ही जाता हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बाइक ले लेनी चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं KTM के शोरूम, एंड वहाँ पे देखते हैं कौन सी बाइक लेंगे। वैसे तो डुकी लेंगे, क्योंकि RC बहुत तामझाम है, तो सर के बाहर से जाती है। RC भी अच्छी लगती है, RC भी देखिए। सडनली तो बुक नहीं करेंगे, कल से मतलब मूड ऑफ था, क्योंकि स्कूटी में आए दिन ना कुछ खर्चे होते जा रहे हैं, और वो प्रॉपर बन नहीं पाती है, क्योंकि उसका जो पूरा बॉडी है वो पूरा फाइबर का है, एंड वो जरा सा भी कुछ हुआ गिर जाती है, टूट जाती है, तो वो पूरे ना स्क्रू से मैं रोका हुआ हूँ। एंड फिर एक ऐसा हुआ कि यार 1000 रुपीज इसको दे के बना रहे बार बार, तो राजू भी बोला भाई मत बना अभी इसको, एक बाइक ले लेते अपन। बात चली हम लोग में, तो राजू बोलता भाई कि KTM देखते ना। कॉलेज टाइम था ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे KTM, और अभी जरा भी अच्छी नहीं लगती KTM। बट राजू बोल रहा है तो मैंने बोला ठीक है, चल एक बार विजिट कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है कैसा है, एंड अगर लगेगा बजट वाइज की लेना चाहिए तो ले लेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ बाइक पे, क्योंकि उतना यूजेस नहीं है मेरा अभी इस वक्त बाइक का। पहले था तो हाँ, कॉलेज टाइम पे एक लगता था कि नहीं भाई KTM लेनी चाहिए, अभी तो जरा नहीं लगता है, और उतना इन्वेस्ट करना पैसा मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। अगर 3-4 लाख की जाएगी तो ठीक नहीं है, वैसे तो राजू बोला था 2.5 लाख की है, देखते हैं। और 2.5 लाख की लेना है तो फिर इसे जहाँ हम कार ले लेते हैं, और व्लॉग वगैरह के लिए भी और इजी हो जाएगा। अब ऐसा है तो कैसा, ये कार भाई भी यूज करते हैं और मैं भी यूज करता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब व्लॉग बनाना होता है, कहीं जाना होता है अर्जेंट, तो उस टाइम पे भाई का भी कुछ काम रहता है, तो भाई लेके चले जाते हैं, तो फिर वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अभी देखते हैं पहला KTM का क्या बजट जाता है, उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करते हैं क्या लेंगे। अभी हम लोग जस्ट KTM के शोरूम में आए हैं, और यहाँ पे तो RC तो दिखी नहीं रही, सब वेटिंग पे हैं बोल रहे हैं। खाली है, और ये 2 सस्पेंस अभी फिलहाल है, इसमें ऑफ रोडिंग कर सकते हैं अच्छे से, उसके लिए ही बना हुआ है ये। अभी लेटेस्ट न्यू मॉडल आया हुआ है, बट ये तो लेने का कुछ प्लान नहीं है मेरा, 390 लेने का प्लान है डुप, क्योंकि RC में भी कैसा आपको रीजंस मालूम है वैसे भी, और इस ये ले लूँगा तो ऑफ रोडिंग करने के लिए सही हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ये स्विच करूँ या फिर डुप 390। ये जो कलर है मुझे बहुत बॉम लग रहा है, मैट बहुत ही बॉम है, इसका साउंड वगैरह सुनते हैं। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, साउंड सुन लो। ये 250 डुक है, और यही लेने का मेरे को, बट 390 में, और कलर यही पसंद है मुझे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यही कलर लूँ कि दूसरा कलर लूँ, बाकी ये कलर तो मुझे बहुत बॉम लग रहा है, इसमें 390 लेना है, या फिर ऑफ रोडिंग के लिए ये सोच कर लो, ये भी बहुत बॉम है, और वैसे भी अभी बहुत टाइम से ऑफ रोडिंग वगैरह हो रही है, और ये ले लेंगे तो फिर ऑफ रोडिंग ही होगा बार बार। तू क्या बोलता रहा, तू ये लेना चाहिए कि वो? मैं तो बोलूँगा RC अभी फिलहाल उनके पास बुकिंग बहुत ज़्यादा है, तो RC वेटिंग में है, लेकिन हम जब बुक करेंगे तो वो अवेलेबल करा के दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोले हैं हमें। फिलहाल तो मेरा RC का मूड नहीं है सर अभी। क्यों? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ RC या फिर ये या फिर डुप, ये कौन सा कलर है? सेम ही कलर है। सेम। जब निकला था मैं तो एक बार सोच रहा था कि मतलब वर्थ करेगा इतना पैसा डालना नहीं डालना, बट यहाँ पे देखने के बाद गाड़ी लेने का ऐसा लग रहा है कि लेके चले चलूँ घर पे अपनी। फिलहाल मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा, आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या प्राइस आता है, कितना होगा, वो सारा बजट बना के, और तब तक वो भी कन्फर्म हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता दो कौन सा कलर लूँ मैं।
लोग जस्ट KTM के शोरूम से बाहर निकले एंड हम लोग ने एक मोटा मोटा बजट बनाए थे कि 2.5 लाख तक जाएंगे। जो 250 है वही क्या बोलते 2,80,000 जाए, ऑन रोड आते आते 2,90,000 हो जा रही है। और जो 390 है वो 3,61,000 और वो ऑलमोस्ट चली जाएगी 3,70,000। तो बाइक पे इतना पैसा डालने का अभी मेरा कोई प्लान नहीं अच्छा है। तो कार है फिर, अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा था इसलिए मैं आया कि चलो देखेंगे अगर 2.5 लाख तक भी आ रही तो एक बाइक ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी जरूरत पड़ती रहती, लोकल में भी थोड़ा एक अच्छी बाइक रहेगी। बट जो 250 है वही हमारे बजट के बहुत बाहर जा रही है और 390 तो छोड़ ही दो, और मेरे को लेना था तो 390 ही लेना था, बट 3,70,000 जा रहा है तो वो थोड़ा भी वर्थ नहीं करता। जब इतना ही पैसा डालना है तो इससे अच्छा मैं कार ले लूं और वो मेरे यूज में भी आएगी। बाइक इतना मेरे यूज में आएगी नहीं, वो खड़े खड़े बस खराब होगी। मैंने उनसे EMI का भी पूरा बजट बनाया तो EMI भी बहुत मतलब ज्यादा जा रही है, तो बाइक का प्लान तो ड्रॉप आउट ही करता हूँ 8,000 फिलहाल, और जब इतना पैसा डालना है तो मैं कार ही लूंगा। अभी राजू को बनाना है रील्स तो हम लोग जा रहे हैं पवई। राजू का दो दिन से मैं अपडेट नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। दो दिन से नहीं, तू बहुत टाइम से अपडेट नहीं है। तेको बोलता हूँ रील्स कंटिन्यू डाल इंस्टाग्राम पे, ग्रोथ ले। बट ये बंदा दो रील्स डाल देगा गायब हो जाएगा 2 महीने तक, तो कैसे टारगेट तेरा अचीव करेगा? इसको 1K फॉलोअर करना है, करवा दो इसके प्लीज 1K फॉलोअर करा दो बेचारे के। 10K 1K, अरे तेरा तो टारगेट 1K है, पहले 1K तो अचीव कर। एंड गाइस मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरा भी 1K तो कराओ एटलीस्ट। न्यू अकाउंट पे मेरे 1K भी फॉलोअर नहीं है अभी, उस पे 271 है। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टा आईडी दे दूंगा, जाके फॉलो करो वहाँ पे मुझे, वहाँ पे मैं बहुत ही अपडेट रहता हूँ। सो जाओ फॉलो कर लो मुझे फटाफट। अभी हम लोग आ गए हैं पवई राजू का रील्स बनाने, और एक बार राजू की आउटफिट देख लो, आज कैसे गया था KTM के शोरूम में। वाह राजा बाबू लग रहे हो एकदम, राजा बाबू ब्लैक बेल्ट, ब्लैक ऐसा लगता ना RCT में जॉब करते ना वो लग रहा है तू, ऑल ब्लैक समझा। बहुत खतरनाक ड्रेसिंग लग रही है तेरी, डाल दूंगा। राजू ने अभी रील्स बना लिया और अब हम जा रहे हैं घर। क्या राजू इतना लंबा लाया सिर्फ एक रील्स बनाने के लिए, क्या वहाँ से घर एकदम बाजू में था। अरे बहुत, तो फिर कम से कम 2-3 रील्स तो बनाता था, एक ही रील्स बनाने का था इसलिए मैं यहाँ पर आया। बताओ एक रील्स के लिए इतना दूर आके हमारा डीजल जलवा रहे भाई साहब। तो अभी हम लोग घर पे आ गए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये बताओ मैं 250 लूँ कि 390 लूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइक मैं ज्यादा यूज नहीं करता, और जब 3-4 लाख रुपए डालने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि कार ले लूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ 390 लेना सही है, 250 लेना सही है, कार लेना सही है। तो ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।